चित्रासीन खबर देते चलें, अभी आपको आगाह करते चलें। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ फजूल बख्श खोखर के मुताबिक शहर आपको बताएंगे बोलान शहर में मुताबिक बोलान शहर की तहसील भाग में ताब बख्तियाराबाद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड में बड़े बड़े गढ़े पड़े होने की वजह से ट्रांसपोर्टर और शहरी दोनों ही परेशान हैं, मगर महकमा B&R की जानिब से कोई भी मुरम्मती काम शुरू नहीं किया गया। हालिया बारिशों में ताब बख्तियाराबाद रोड पर बारिश के पानी की वजह से सड़कें ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल होने के बायस भाग शहर का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को मुश्किल का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान और मुंतखब MPA और इसके अलावा कमिश्नर नसीराबाद डिप्टी कमिश्नर वोलान से अपील की है कि भाग ताब अख्तियाराबाद रोड पर हंगामी बुनियादों पर मरम्मत का काम शुरू कराया जाए। खबर ने शहर फिरोज से जहाँ पे आपको बताएं कि मंजूर मलिक के मुताबिक थारो शाह मोलहन इसके अलावा अबड़ान इसके अलावा मथानी समेत ज़िले के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नजीबी इलाके पानी के जलथल एक हो गए। बारिशों के बायस कपास तिल धान की फसल को नुकसान का भी अंदेशा है। खबर ने बाप को जितनाजीन खुशाब से ब्यूरो चीफ राजनूरला यातिफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब सर्विश फातमा शेराजी का तालीमी मेयार का जायजा लेने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर आपको बताएंगे स्लो लर्नर ब्लॉक नंबर 6 जोहराबाद का दौरा आपको बताएंगे डी डी डेवलपमेंट समेत दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल की बिल्डिंग में सफाई सुथराई और क्लास रूम में जाकर तदरीसी अमल का जायजा लिया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों की तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के तमाम तर जाएंगे। खबर ने बाप को अजहर ताज के ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरेशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने रात गए और अली सुबाद शहर के मुसलसल दौरे किए और ब्रेकिंग ली। आपको बताएं कि ब्रीफिंग के दौरान रिकॉर्ड तूफानी बारिशों के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों को क्लियर कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से जारी बारिश के बायस नकासी आब में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की मुश्किलात का भी अंदाजा है। तमाम दस्तियाब मशीनरी और अमला फील्ड में सरगर्म है। चित्रासीन अब आपको खबर देते चले खुशाब से ब्यूरो चीफ राजनूरला यातिफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी जिला खुशाब एडवोकेट मलिक मोहम्मद वारिस चिस्रा ने कहा कि जमात इस्लामी कौमी उमंगों की तर्जुमानी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अवामी इज्तमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी वतन अजीज की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा से कोशा है। उन्होंने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की इस हवाले से कोशिश काबिल हद सताइश और लायक तहसीन और आफरीन है। खबर ने आपको डिस्ट्रिक्ट भिहाड़ी से मौसम जोरिया के मुताबिक मेलसी आपको बताएं कि एड्स की रोकथाम के लिए समाजी तंजीमें शऊर आगाही के लिए भरपूर किरदार अदा करें। एहतियाती तदाबीर वाहिद जरिया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए बिला तफरीक सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। राइट्स प्रोटेक्शन नेटवर्क गुड्स आप बताएँ कि इसके अलावा थैंक्स ऑर्गनाइजेशन और यंग मैन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार से सदर प्रेस क्लब सैयद अजीज़ुल्ला शाह ताहिर का खिताब। उन्होंने कहा कि मीडिया एड्स के खतरनाक नुकसान और एहतियाती तदाबीर के हवाले से मालूमात से आगाह करे। इसके अलावा ETO बशीर अहमद खरल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मंजूर इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। चित्रासीन अब आपको खबर देते चलें डिवीजन ब्यूरो चीफ फजलताज कुरेशी के मुताबिक CTO मुल्तान का आपको बताएं कि शुजाबाद CTO मुल्तान सरदार जो के मुबारहन खान की जानिब से ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद, जिसमें इंस्पेक्टर एडमिन कमर रशीद और ड्यूटी ऑफिसर सर्कल सिटी कजाफी शुजाबादी और इसके अलावा जलालपुर ने भी शिरकत की। CTO मुल्तान का इस मौके पर कहना था कि हमारा असल मिशन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, ताकि सड़कों पर शहरी आरामदेह सफ़र कर सकें। ट्रैफिक स्टाफ अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पर ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। ट्रैफिक स्टाफ की वेलफेयर के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे ताकि वो मौसमियाती हालात में महफूज रह सकें। ट्रैफिक स्टाफ मौसर इन्फोर्समेंट के साथ साथ रोड यूज़र्स को ट्रैफिक कवानीन की आगाही भी फराहम करें। मजीद इनका कहना था कि शाम के अवकात में तमाम ट्रैफिक स्टाफ रिफ्लेक्टर्स जैकेट्स का इस्तेमाल करें, तमाम सेक्टर इंचार्ज मूविंग हालत में रहें और अपने मुतलका ड्यूटी पॉइंट्स का विजिट करते रहें। ट्रैफिक पर प्रॉब्लम की सूरत में फौरी नफरी की डिमांड करें ताकि बर वक्त ट्रैफिक का बहाल किया जा सके।